सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कबड्डी स्टार को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। Hey guys, what's up? Welcome back to my new video. So guys, let's begin. गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ कि मल्लिका सागर इस वर्ष का ऑक्शन होस्ट करने वाली जो कि 2-3 दिन बाद है। जो पहले जो ऑक्शनर थे वो इस वर्ष नहीं करेंगे होस्ट, तो मल्लिका सागर ऑक्शनर रहने वाली है इस वर्ष के ऑक्शन में। तो आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले ऐसे 6 प्लेयर्स को जिसको गुजरात टॉपिंग टारगेट करने वाली है ऑक्शन में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके रिटर्न प्लेयर्स का, सुनील और परवेज भैसा दोनों कवर की जोड़ी को इन्होंने एज इलाइट रिटर्न प्लेयर कैटेगरी में रिटर्न कर लिया है और एज एन वाई पी 3 प्लेयर्स को रिटर्न किया है, हरमनजीत सिंह, सुमित मलिक और अंकित। इन 3 प्लेयर को एन वाई पी कैटेगरी के अंदर रिटर्न किया है गुजरात टॉपिंग जैंट्स की टीम ने। सबसे पहला प्लेयर जिसको टारगेट करने वाले गुजरात टॉपिंग जैंट्स वो होने वाले हैं रोहित गुलिया। रोहित गुलिया इतना चमक किया लास्ट ईयर, सचिन धवन चल नहीं रहे थे और रोहित गुलिया को रिटर्न भी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है आरपीएम जरूर जरूर यूज करेगा। ये फिक्स ही मानी चलिए, ये खबर फिक्स है कि रोहित गुलिया को आरपीएम यूज करने वाला है गुजरात टॉपिंग जैंट्स की। लास्ट ईयर जो सचिन धवन थे इनके जो लीडिंग एयर जो बहुत अच्छे परफॉर्मर है वो लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म नहीं किए थे उतना, उन्हें मैचेस में ही बाहर कर दिया। फिर रोहित गुलिया को मौका मिला, कप्तानी का भी मौका मिला, सुनील कुमार की जगह इनको कप्तान बनाया गया, अच्छा खेला गुजरात, लेकिन गुजरात जरूर क्वालिफाई ना हो, लेकिन रोहित गुलिया का परफॉर्मेंस एकदम अच्छा था। तो मेरे हिसाब से एज ए रेडर फर्स्ट प्लेयर जो रिटर्न हो मतलब ऑप्शन में आपको वापस एफबीएम कार्ड के जीतने वाले वो है रोहित गुलिया। दूसरे प्लेयर वो भी रिटर्न मतलब एफबीएम से होने वाले वो है सोनू जगनाथ। सोनू जगनाथ ने बहुत अच्छा सपोर्ट रेडर रोल निभाया है, जब इनको मौका मिला लास्ट के मैचेस में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुझे याद है तमिल खिलाड़ियों के खिलाफ 14 लगाया था इन्होंने। तो सोनू जगनाथ को भी अब एक्सपेक्ट करेंगे कि इनका भी चांस है मेरे हिसाब से 70-80% ये भी एफबीएम कार्ड से वापस आपको गुजरात जायंट्स में खेलते हुए दिख गया है। तो ये 2 प्लेयर का नाम बता। तीसरे प्लेयर हमारे लेफ्ट कॉर्नर जोगिंदर नरवाल। जोगिंदर नरवाल बहुत अनुभवी प्लेयर है, लास्ट ईयर दबंग दिल्ली को फाइनल पहुंचा है, उससे पहले सेमीफाइनल पहुंचा है, इनको रिलीज किया है और मेरे हिसाब से एफबीएम भी नहीं करने वाला, लेकिन रविंदर पहल को करेगा या चैंपियनशिप जो करेगा। और जोगिंदर नरवाल अगर कंटिन्यू करें और करेंगे मेरे हिसाब से अभी सब खेल रहे हैं, तो एक दो साल कंटिन्यू करें तो गुजरात टॉपिंग जैंट्स एक अच्छा लेफ्ट कॉर्नर उनको बना सकता है। अगली इवेंट जो करेगा वो है एमएस अथोरा। तो एमएस अब तमिल के लिए खेल चुके, युवा के लिए खेल चुके, युवा के लिए लास्ट ईयर ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, उतना भी खराब नहीं उतना भी अच्छा नहीं। तो अतुल एमएस को भी इन्होंने रिलीज कर लिया है एफबीएम से ही, मुझे नहीं लगता है वापस लेगा। तो अतुल एमएस को आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट लीडर का भूमिका निभा सकते हैं वो गुजरात जायंट्स के लिए। तो अतुल एमएस का नाम बोलिए, अतुल एमएस एक अच्छे सपोर्ट लीडर बन सकते हैं गुजरात टॉपिंग जायंट्स की, देखिए सचिन का बोलने वाली है। तो अगले प्लेयर है उनका नाम है एक ऑलराउंडर है वो है सचिन कुमार। सचिन कुमार 2 सीजन से यूपी ओडा के साथ जुड़े हुए हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा, सब्स्टिट्यूशन से इन्हें मौका मिल रहा था, अच्छा परफॉर्म किया थे, लेकिन इस बार एफबीएम से मुझे नहीं लग रहा है सचिन कुमार को रिटर्न करेगा, इन लोग एफबीएम से करेंगे। तो एक अच्छे ऑलराउंडर को तरह से युवा को भी युवा संदीप अगर को अगर एफबीएम नहीं करेगा तो सचिन कुमार को अच्छा कर सकता है टारगेट सचिन कुमार अगले। आखिरी प्लेयर इसमें वो है मोहित बालियान शेरावत। तो मोहित शेरावत यार मैं इनसे बहुत प्रसन्न हुआ, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, डिफेंस में अच्छा था, टैकल सुपर टैकल्स बहुत अच्छा अच्छा किया इन्होंने, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स राहुल चौधरी जैसे प्लेयर्स को, अजीत जैसे प्लेयर को इन्होंने अपनी चाल में फंसाया, अच्छी डिफेंस किया इन्होंने। तो मोहित शेरावत एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है कि यू मुंबई अगर इनको एफबीएम यूज नहीं किया मोहित शेरावत को, तो मेरे हिसाब से मोहित बालियान जो है वो मतलब आपको देख सकते हैं गुजरात को अच्छा सपोर्टिंग डिपेंडेंट कॉर्नर निभा पाए, तो मोहित एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। आपको 6 प्लेयर्स के नाम बता दिए। तो गाइस ऐसे न्यूज़ मानी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को